आज का हमारा मौजू गुफ्तगु मुगलिया सल्तनत के 11वें बादशाह रफी उद्दौला पर है। बादशाह रफी उद्दौला जो 6 जून 1719 को अपने भाई रफी उद्दराजात की वफात के बाद तख्त नशीं हुए, एक कठपुतली बादशाह साबित हुए जिस पर सैयद बरादरान को मुकम्मल गिरफ्त हासिल थी। बादशाह फरुख सयार को कत्ल करने के बाद सैयद बरादरान मुकम्मल तौर पर दीवान में अपनी गिरफ्त जमा चुके थे। बादशाह रफीउद्दौला नाम के ही बादशाह थे। असल हुकूमत तो अब सैयद बरादरान के हाथों में थी। आप अपने अबाओ इस्ताद की तरह किसी किस्म की कोई खूबी के हामिल ना थे और सैयद बरादरान के इशारों पर नाचते थे। मुगलों के हाथों सल्तनत का काफ़ी इलाका हाथ से निकल चुका था और जनूब मराठा सल्तनत वजूद में आ चुकी थी, जिसकी गिरफ्त मजबूत होना शुरू हो गई थी। आप अपने भाई की तरह फेफड़ों के कैंसर में मुब्तला थे, जिसकी वजह से आप बीमार हो गए और आपकी जगह मोहम्मद शाह को तख्त नशीन करवाया गया, जो अपनी रंगीलियों में मुब्तला हो गया और जिसके दौर में सल्तनत सुकड़ कर दिल्ली तक महदूद रह गई थी। आप मोहम्मद शाह के दौर के बारे में हमारी अगली वीडियो में देख सकते हैं। आप शाहजहां दौर के नाम से भी जाने जाते हैं। आपने कुल 3 माह 15 दिन हुकूमत की, जो मुगलिया तारीख में रफी उद्दराजात के बाद सबसे कम थी। आपने 19 सितंबर 1719 को 23 साल की उम्र में वफात पाई। ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो। मजीद मालूमाती वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे दोस्तों के साथ शेयर करें।